नमस्कार भाई, ये एनआई वालों को नमस्ते। क्या जो आपने लक्ष्य तय किया था 400 पार का, आपको लगता है कि वो पार हो रहा है? हमारा एक नया दौर शुरू होगा। प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? जो लोग इतने बड़े दलितों के हितेशी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितेशी कहते हैं, हकीकत में उनके घोर दुश्मन है। संविधान की पीठ में छोड़ा भोंका दिया है। अभी कोलकाता हाई कोर्ट का सर एक ऑर्डर आया है जिसमें 2010 के बाद जितने ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे हैं उसको खारिज कर दिया। इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब जुडिशरी को गाली दे रहे हैं। केजरीवाल जी अभी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा। अच्छा होगा ये लोग संविधान पढ़ लें। सर, इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं, लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई हैं और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ बोला गया है। मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया जो लोग आशंकाएं करते थे। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज्यादा एकता की अनुभूति हो रही है। इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है।